हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर लर्न में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 के सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 8 ग्रेड करने वाले हैं। चैप्टर 7 तक हम सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के या फिर तो आइकन बटन पे भी आपको दे दिया गया है, आप वहां से जाकर के चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन को देख लीजिए। और आज हम इस वीडियो में चैप्टर 8 कम्प्लीट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर, ताकि आगे में किसी भी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करने का वीडियो है जो कि आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, इसका लिंक है जो कि हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर के पिछले वाले जो भी वीडियो है वो सारी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चैप्टर शुरू करते हैं। न्यू चैप्टर है, चैप्टर का नाम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, व्हाट आर द वेरियस पब्लिक हेल्थ मेजर्स व्हिच यू वुड सजेस्ट एज सेफगार्ड अगेंस्ट इन्फेक्शंस डिजीजेज। तो क्वेश्चन कहता है कि कौन से विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय हैं जिन्हें आप संक्रमक रोगों के विरुद्ध रक्षा उपायों के रूप में सुझाएंगे। तो यहाँ पे आंसर हो गया, पब्लिक हेल्थ मेजर्स आर प्रिवेंटिव मेजर्स व्हिच आर टेकन टू चेक द स्प्रेड ऑफ वेरियस इन्फेक्शन डिजीजेस। दिस मेजर्स शुड बी टेकन टू रिड्यूस द कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्शन अगेंस्ट। सम ऑफ दिस मेथड आर, नंबर 1 में दिया गया है मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन डिजीजेज। दिस मेजर इंक्लूडिंग मेंटेनिंग अ क्लीन बॉडी, कंजप्शन ऑफ ए हेल्थी एंड न्यूट्रिएंट्स फूड, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर ईटीसी। पब्लिक हाइजीनिक इंक्लूड्स प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल एक्सेट्रा, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वर्स। नंबर 2 में दिया गया है आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्शन पर्सन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एयर बॉर्न डिजीजेस सच एज निमोनिया, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस ईटीसी। It is essential to keep the infected person in isolation to reduce the chances of spreading these diseases. 3 में दिया गया है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीजेस बाय एडमिनिस्ट्रेशन सम एजेंट दैट मिमिक्स द माइक्रोब इनसाइड द बॉडी। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन टू द बॉडी। सेवरल वैक्सीन्स आर अवेलेबल अगेंस्ट मेनी डिजीजेस सच एज टेटनस, पोलियो, मीजल्स, मम्प्स, ईटीसी। नंबर 4 में दिया गया है वेक्टर इराडिक्शन। वेरियस डिजीजेस सच एज मलेरिया, फ्लैरिस, डेंगू एंड चिकुनगुनिया स्प्रेड थ्रू वेक्टर्स। दिस डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग ए क्लीन एनवायरनमेंट एंड बाय प्रिवेंटिंग द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। दिस कैन बी अचीव्ड बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू स्टैग्नेट अराउंड रेसिडेंशियल एरियाज। ऑल्सो मेजर लाइक रेगुलर क्लीनिंग ऑफ कूलर्स, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स एंड इंसेक्टिसाइड्स सच एज मेलाथियन इन ड्रेन्स, पॉन्ड्स, ईटीसी can be undertaken to ensure a healthy environment. Introducing fish such as gambusia in ponds also controls the breeding of mosquito larvae in stagnant water. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कहता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय निवारक उपाय है जो विभिन्न के प्रसार को रोकने के लिए किए जाते हैं। संक्रमक रोग, नंबर 1 में दिया गया है संक्रमक रोग, संक्रमक एजेंट को संपर्क को कम करने के लिए ये उपाय किए जाना चाहिए। इनमें से कुछ विधियां हैं जैसे कि व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता का रखरखाव, यह सबसे महत्वपूर्ण तरीका में से एक है संक्रमण रोगों को रोकने के लिए। इस उपाय में एक स्वच्छ शरीर बनाए रखना शामिल है, स्वस्थ और पौष्टिक भोजन का सेवन, स्वच्छ पानी पीना आदि, सार्वजनिक स्वच्छता और अपशिष्ट सामग्री का उचित निपटान, मूलमूत्र समय समय पर सफाई और कीटाणु रहित कारण करना शामिल है। जल जलाशय, नंबर 2 में आपको दिया गया है संक्रमित व्यक्ति का अलगाव। निमोनिया जैसे वायु जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए चिकन पॉक्स, टीबी आदि को कम करने के लिए संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेशन में रखना जरूरी है, इन बीमारियों के फैलने की संभावना है। नंबर 3 में दिया गया है टीकाकरण। टीकाकरण शरीर की संचारी लोगों से सुरक्षा है, किसी ऐसे एजेंट को प्रकाशित करना जो शरीर के अंदर सूक्ष्म जीव की नकल करता है, यह प्रदान करने में मदद करता है और शरीर के लिए सक्रिय और निष्क्रिय टीकाकरण। कई के खिलाफ कई टीके उपलब्ध है, टेटनस, पोलियो, खसरा, कंठमाला आदि जैसे रोग। नंबर 4 में दिया गया है वेक्टर उन्मूलन। विभिन्न रोग जैसे मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया वेक्टर के माध्यम से फैलता है, ऐसे में साफ सफाई से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। पर्यावरण और मच्छरों के प्रजनन को रोककर यह नहीं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। रिहायशी इलाकों के आसपास पानी जमा होने देना,
साथ ही की नियमित सफाई जैसे उपाय, कूलर, मच्छरदानी का उपयोग और नलियों, तालाबों आदि में मेलाथियन कीटनाशकों का उपयोग किया जा सकता है। स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए किया गया। तालाबों में गुमसिया जैसे मछलियों का परिचय रुके हुए पानी में मच्छरों के लार्वा को प्रजनन को भी नियंत्रित करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू कहता है, इन विच वे हैज अ स्टडी ऑफ बायोलॉजी हेल्प्ड अस टू कंट्रोल इन्फेक्शन डिजीज। क्वेश्चन नंबर दो में कहता है कि जैविकी की अध्ययन के संक्रमक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। तो आंसर हो गया, वेरियर एडवांसमेंट्स दैट हैव अक्यूर्ड इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी हैव हेल्प्ड अस गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग टू फाइट अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शन डिजीज। बायोलॉजी हैज हेल्प्ड अस स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ वेरियस पैरासाइट्स, पैथोजेंस एंड वेक्टर्स अलोंग विद द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वेरियस डिजीज एंड द मेजर्स ऑफ कंट्रोलिंग देम। वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स अगेंस्ट सेवरल इन्फेक्शन डिजीज सच एज स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस ईटीसी हैव हेल्प्ड नियर इरेडिकेट दीज डिजीज। बायोटेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ न्यूअर ऑफ सेफर ड्रग्स एंड वैक्सीन। एंटीबायोटिक्स हैव ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रीटिंग इन्फेक्शन डिजीज। कि जीव विज्ञान के क्षेत्र में हुई विभिन्न प्रगति में हमें बेहतर हासिल करने में मदद की है। विभिन्न संक्रमण रोगों से लड़ने की समझ जीव विज्ञान ने हमें जीवन का अध्ययन करने में मदद की है। इनकी संरचना के तरीके के साथ साथ विभिन्न परजीवियों, रोगजनकों और बैक्टीरियों का चक्र, विभिन्न रोगों और उनके नियंत्रण के उपाय हैं। कई के खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रम, चेचक, टेपेडिक आदि जैसे संक्रमक रोगों ने लगभग मदद की है। इन रोगों को दूर भगाए जैव प्रौद्योगिक ने नई सुरक्षित दवाओं को तैयार करने में मदद की है और टीके। संक्रमण रोगों के उपचार में एंटीबायोटिक दवाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में कहता है, हाउ डज द ट्रांसमिशन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग डिजीजेस टेक प्लेस। नंबर वन में दिया गया है एमियोबेसिस, बी में दिया गया है मलेरिया, सी में दिया गया है स्कैराशिस, डी में दिया गया है न्यूमोनिया। क्वेश्चन नंबर तीन कहता है कि निम्नलिखित लोगों का संचरण कैसा होता है। तो यहाँ पे देखिए टेबल के माध्यम से आपको बताया गया है, डिजीज दिया गया है, यहाँ पे इसका कॉसेटिव ऑर्गेनिज्म दिया गया है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए एमियोबेसिस का जो कॉजुकेटिव ऑर्गेनिज्म है वो एंटो एमिवा हेस्ट्रोलाइटिक किया है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जो कि इट इज वेक्टर बॉर्न डिजीज दैट स्प्रेड बाय द मींस ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। दे वेक्टर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज इन द हाउस फ्लाई। तो ये जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज है जो कि स्प्रेड होता है बाय द मींस ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर से। द वेक्टर इन्वॉल्व होता है इसमें ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज इन इज द हाउस फ्लाई। बी में हो गया मलेरिया, मलेरिया में दिया गया है कॉन्सिक्यूटिव ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम दिया गया है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जो कि वेक्टर बॉर्न डिजीज है। ये जो है स्प्रेड करता है बाय द बीटिंग ऑफ द फीमेल एनमॉर्फस मॉस्किटो। सी में दिया गया है एस्कराइसिस, एस्कराइसिस का कॉन्जुगेटिव ऑर्गेनिज्म है एस्कराइसिस रिब्रियोक्वाइट्स। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जो कि स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड फूड और वाटर है थ्रू फेको ओरल ट्रांसमिशन से। डी में दिया गया है न्यूमोनिया, इसका कॉन्जुगेटिव ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है स्प्रेड बाय द सिम्पटम ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। यानी कि ये जो फैलता है सिम्पटम ऑफ इन्फेक्शन पर्सन से, जैसे कि किसी को खांसी खांसी या जुकाम होता है तो वो उनके जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं खांसने वक्त उसी से ये जो है फैलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर कहता है, व्हाट मेजर वुड यू टेक टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीज। तो जलवाहित रोगों को रोकथाम के लिए आप क्या उपाय अपनाएंगे। आंसर हो गया, वाटर बॉर्न डिजीज सच एज कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, ईडीसी स्प्रेड बाय ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। दिस वाटर बॉर्न डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंश्योरिंग प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्वेज, एस्केरिटा, पीरियोडिक क्लीनिंग, ऑल्सो मेजर्स सच एज डिसइंफेक्टिंग कम्युनिटी वाटर रिजर्वर्स, वॉइलिंग एंड फिल्टरिंग ड्रिंकिंग वाटर, ईडीसी शुड बी ऑब्जर्व्ड। तो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर कहता है, जल जनित रोग जैसे हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी आदि जो दूषित पानी पीने से फैलता है, स्वेज का उचित निपटान सुनिश्चित करने के लिए इन जल जनित रोगों को रोका जा सकता है। मल, समय समय पर सफाई, साथ ही सामुदायिक जलाशय को कीटाणु रहित करने जैसे उपाय, पीने के पानी को उबालना और छानना आदि देखा जाना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है, डिस्कस विथ योर टीचर्स व्हाट डज अ सुटेबल जीन
मीन्स इन द कंटेस्ट ऑफ डीएनए वैक्सीन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि डीएनए वैक्सीन के संदर्भ में उपयुक्त जीन के अर्थ के बारे में अपने अध्याय से चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे आंसर हो गया है, सुटेबल जीन रिफर्स टू ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस व्हिच कैन बी इंजेक्टेड इनटू द सेल्स ऑफ द होस्ट बॉडी टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक प्रोटीन। दिस प्रोटीन किल द स्पेसिफिक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इन द होस्ट बॉडी एंड प्रोवाइड्स इम्यूनिटी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कहता है कि एक उपयुक्त जीन का एक विशिष्ट डीएनए खंड संदर्भित करता है जिसे की कोशिकाओं में अंतक्षेपित किया जा सकता है। मेजबान शरीर के विशिष्ट प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए यह जो प्रोटीन है विशिष्ट रोग पैदा करने वाले जीव को मारता है और मेजबान शरीर में और प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है, नेम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है। प्राथमिक और द्वितीय लिशिकाओं के अंगों का नाम बताना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया, इनमें प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन इंक्लूड्स द बोन मैरो एंड द थाइमस। बी में हो गया, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आर स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर, पैचेज ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर में कहता है ए में कि प्राथमिक लिम्फोइड अंगों से में जो स्थित मज्जा और थाइमस के शामिल होते हैं, और बी में है जो कि माध्यमिक लिम्फोइड अंग के फिलहाल लिम्हार नोड्स टेंसाइल पियर के छोटे पैच होते हैं आंत और परिशिष्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन कहता है, द फ्लोइंग आर सम वेल नोन एब्रीविएशंस व्हिच हैव बीन यूज्ड इन दिस चैप्टर, एक्सपेंड ईच ऑफ फ्लोइंग फुल फॉर्म। तो इन सभी का है जो कि फुल फॉर्म आपको बनाना है, MALT का फुल फॉर्म क्या होता है, CMI का फुल फॉर्म क्या होता है, AIDS का फुल फॉर्म क्या होता है, NACO का फुल फॉर्म क्या होता है, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग के ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सब है जो कि फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, ये सब जो फुल फॉर्म है वो GK में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, MALT का फुल फॉर्म है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, CMI का फुल फॉर्म है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, AIDS का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, डी में है NACO का फुल फॉर्म नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। नाउ क्वेश्चन नंबर एट कहता है, डिफरेंशिएट द फ्लोइंग एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। ए में दिया गया है इनाइट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बी में दिया गया है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो यहाँ पे इनाइट ए इम्यूनिटी है जो कि ये नॉन पैथोजेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो कि ये पैथोजेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है। तो ये जो है इनाइट इम्यूनिटी है जो कि नॉन पैथोजेन स्पेसिफिक टाइप है, और ये जो है पैथोजेनिक स्पेसिफिक टाइप है। इसी का बी में है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो नंबर 2 में है, इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स एंड प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल सिंस बर्थ। ये जो है इनहेरिटेड होता है फ्रॉम पेरेंट और प्रोटेक्ट होता है इंडिविजुअल सिंस बर्थ से, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो कि आफ्टर बर्थ होता है इंडिविजुअल में। फिर इधर जो है फिर इनिटिएट है जो कि ऑपरेट करता है प्रोवाइडिंग बैरियर्स अगेंस्ट एंट्री ऑफ फॉरेन इन्फेक्शन अगेंस्ट। रिक्वायर में है इट ऑपरेट्स प्रोड्यूसिंग प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पांस करता है व्हिच आर मेडिएटेड बाय बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। फिर इनिटिएट में है, इनिटिएट है जो कि इट डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक मेमोरी होता है, पर यहाँ पे एक्वायर्ड है जो कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स बाय एन इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होता है। बी नंबर में दिया गया है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी है जो कि ये टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन विच बॉडी प्रोड्यूस इट्स ओन एंटीबॉडीज अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एंटीजेंस। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी है जो कि ये टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इन विच रेडीमेड एंटीबायोटिक्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। ये जो है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में रेडीमेड एंटीबायोटिक है जो कि ट्रांसफर होता है, लेकिन यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी है जो कि ये बॉडी प्रोड्यूस करता है अपना एंटीबायोटिक अगेंस्ट एंटीजन से डिजीज से कॉजिंग करने में डिजीज कॉज करता है। एक्टिव इम्यूनिटी है जो कि इट है, ये जो है इम्यूनिटी वो बॉडी प्रोड्यूस करता है खुद एंटीबायोटिक्स अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एंटीजन से। अब 2 नंबर में दिया गया है इट इज लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, ये जो है लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है, लेकिन पैसिव है जो कि इट डज नॉट हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, ये जो है शॉर्ट लास्टिंग इफेक्ट होता है। एक्टिव इम्यूनिटी है जो कि इट इज स्लो, इट टेक्स टाइम इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज एंड गिविंग रिस्पॉन्स,
ये जो है टाइम लेता है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने में, ये टाइम लेता है और ये इसका रिस्पांस देता है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी है जो कि ये फास्ट वर्क करता है और ये जो प्रोवाइड करता है इमीडिएट रिलीफ, यानी कि ये जल्दी जो है राहत देती है। एक्टिव इम्यूनिटी है जो कि इंजेक्शन माइक्रोब्स थ्रू वैक्सीनेशन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। तो इंजेक्शन और माइक्रोब्स है जो कि थ्रू होता है वैक्सीनेशन इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर से, और एग्जांपल जो हुआ ये एग्जांपल है जो कि एक्टिव इम्यूनिटी का। लेकिन यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी है जो कि ट्रांसफर होता है ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द मदर मिल्क टू इन्फेंट ऑफ एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी से। ये जो है एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है मदर मिल्क से इन्फेंट को, मदर मिल्क से। तो ये जो एग्जांपल हो गया पैसिव इम्यूनिटी का। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। यहाँ पे एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का डायग्राम आपको बनाना है। यदि ये क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो इसका पिक्चर बना करके आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नंबर मार्किंग स्कीम है जो कि बहुत ही अच्छा मिलता है एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए फिगर दिया गया है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप लोग के एनसीईआरटी बुक में भी अवेलेबल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट आर द वेरियस रूट्स बाय व्हिच ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस टेक्स प्लेस। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि वे कौन से विभिन्न रास्ते हैं जिनके द्वारा मानव प्रतिरक्षा न्यूनतम विषाणु एचआईवी का संचारण होता है। तो यहाँ पे आंसर हो गया कि एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये काउज होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस एचआईवी से। इट हैज फॉलोड मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ए में दिया गया है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विथ ए इन्फेक्टेड पर्सन, बी में हो गया ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड टू अ हेल्दी पर्सन, सी में हो गया शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंज, डी में हो गया फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा। तो ये जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होता है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कहता है कि एड्स है जो कि एक कार्डिय इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी के कारण होता है, और ये वायरस है जो कि एचआईवी है, जिसमें कि संरचना के निम्नलिखित तरीके होते हैं, जैसे कि ए नंबर में आपको यहाँ पे देखिए दिया गया है संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संपर्क होता है, बी में है जो कि एक संक्रमित से स्वस्थ व्यक्ति को रक्त का आदान होता है, सी में दिया गया है संक्रमित सुई और सिरिंज साझा करना होता है, डी में हो प्लेसेंटा के माध्यम से संक्रमित माँ से बच्चे में होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक है, जो कि हम आज इस वीडियो में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर को कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो भी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 से लास्ट तक ले नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में यदि मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं दो पार्ट में डिवाइड करके इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे आगे आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स आज हम यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिन लोग चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दे, ताकि आगे मैं इसका पार्ट 2 का वीडियो अपलोड करूं, या फिर तो फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी में से किसी भी सब्जेक्ट से एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।